जो कि 25 तारीख है और 25 तारीख के हवाले से दिल्ली में भी सबकी नजरें रहेंगी और दिल्ली की एक अदालत के अंदर कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर मोहम्मद यासीन मलिक का फैसला होने जा रहा है। दहशतगर्दी और दहशतगर्द फंडिंग मामले में अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक की सजा का ऐलान आज कोर्ट के अंदर किया जा सकता है। आपको याद होगा कि यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया था जब टेरर फाइनेंसिंग मामला उनके ऊपर था और कई अहम और संगीन केस उन पर थे जिसको लेकर पिछले कई महीनों से बातें हो रही थी, काम चल रहा था और फाइनली अदालत के अंदर जब फर्दी जुर्म आयद कर दी गई मोहम्मद यासीन मलिक पर, तो यासीन मलिक ने कोर्ट के सामने एतराफ जुर्म किया और कहा कि बिल्कुल वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां कर रहा है, वो आज़ादी का हामी है और भारत के आईन की तस्लीम भारत के आईन के किसी की शिक को भी वो तस्लीम नहीं करता है, इसलिए जो कुछ चार्जेस उस पर लगाए गए हैं ये सही है। जिसके बाद जज मौसूफ ने कुछ वक्त लिया और NIA से एक अलाहिदा तौर पर रिपोर्ट तलब की और यासीन मलिक से अलग रिपोर्ट तलब की। इस बीच वुकला की टीम को यासीन मलिक के पास भेजा गया ताकि उसे मनवाया जाए कि वो कंटेस्ट करें, वो लड़े जी केस को और बताएं कोर्ट को कि ये सही नहीं है या जो जुर्म उस पर लगाए गए हैं ये ठीक नहीं है या इन्वेस्टिगेशन पार्ट सही नहीं है, वो अपनी मौकफ को रखे अदालत के सामने। खबर ये है कि यासीन मलिक ने वहां पर भी वुकला, चाहे वो कश्मीर से गए थे या दिल्ली अदालत ने नॉमिनेट किए थे, उनसे साफ मना कर दिया कि वो किसी भी तरीके से अपने मौकफ से दस्तबरदार नहीं होंगे, उन्होंने तस्लीम कर लिया है। और अब जाकर आज का दिन जो स्पेशल जज है परवीन सिंह, उन्होंने 19 मई को कन्विक्ट माना था यासीन मलिक को और डायरेक्ट किया था NIA अथॉरिटीज को कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन का हवाला बताया जाए कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, और इसी तरीके से यासीन मलिक से भी डिटेल मांगी थी, वो अदालत के अंदर आज पेश कर दी गई है, इस तरीके की खबर है। और खबर ये भी है कि यासीन मलिक को कम से कम या तो उम्र कैद हो सकती है, कुछ माहिरीन का ये मानना है, या उन्हें सजाए मौत भी सुनाई जा सकती है। दोनों पहलू जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, सजाए मौत का भी और उम्र कैद का भी, और ये तायुन करेंगे आज स्पेशल जज परवीन सिंह जिनकी सरबराही में इस केस को आज दोबारा सुना जाएगा। अब यासीन मलिक के ऊपर जो इल्जामात है वो बड़े खतरनाक इल्जामात है और उन्होंने इन बातों को माना भी है। एक तो इनका पसंदी एक टेररिस्ट एक्ट कि सेक्शन 16 के तहत उन पर मुकदमा है, फिर उनके ऊपर मुकदमा है कि आपने जी यासीन मलिक ने फंड जमा किया ताकि इंतहा पसंदी दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जाए, 17 के तहत ये भी केस है, 18 के तहत ये केस है कि ट्रांसपेरेंसी टू कमिट द टेरर एक्ट ये उन पर लगाया गया है, और 20 के तहत ये है कि आप ऑर्गेनाइज करते थे कि असम्बल करते थे उन तंजीमों को जो ममनुआ तंजीमें हैं जाने हिजबुल मुजाहिदीन और दीगर जमातें, ये इल्ज़ाम भी उन पर है। और फिर UAPA सेक्शन 120B जो क्रिमिनल कंस्पिरेंसी है और 124A जिस पर सेडेशन है, जिस पर अदालत का एक रोक भी है, लेकिन फिलहाल ये भी यहाँ पर है, तो ये सारे कानून जो है वो इन पर लगाए गए हैं, ये सारी शिकें उन पर लगाई गई है। और इस तरीके से आज का दिन यासीन मलिक के हवाले से इनका ही अहम होगा। अब सरहद पार इस खबर को लेकर क्या हलचल है, मशाल मलिक यासीन मलिक की बीबी और उनकी बेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कह रही है कि इमरान खान आज के दिन को जरा जो लॉन्ग मार्चेस को टाल दे क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें रहनी चाहिए जी दिल्ली पर, लेकिन मार्च चला गया। उसके बाद शहबाज शरीफ की ब्रीफिंग आई, उसमें उन्होंने इसकी मजम्मत की। उसके साथ कल जब वफाकी काबीना पाकिस्तान की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो तीन वज़रा ने यासीन मलिक के इस मामले पर अपनी राय जनी कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। ये तो सरहद के पार का। अब जरा वापस केस पर आइए जहां यासीन मलिक के ऊपर ये फर्दी जुर्म आज आयद हो गए हैं और ये सारा कुछ वो अब चला है और ये सारी बातें सामने मैंने आपके रख दी। आज केस की फाइनल हियरिंग है और कंटेम्प्ट सजा होगी वो क्या होगी वो आज जज मौसूफ जो बताएंगे, लेकिन फॉर्मली जो चार्जशीट फ्रेम किए गए हैं वो सिर्फ यासीन मलिक पर नहीं है बल्कि अलहदगी पसंद लीडर फारूक अहमद डार, जिसका नाम इलियास बिताकराचे है, उन पर है।
शब्बीर अहमद शाह डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के सरबरा हैं, इन पर है। मसरत आलम मुस्लिम लीग के हैं, मोहम्मद यूसुफ शाह हैं, आफ्ताब अहमद शाह मीरवाइज के करीबी साथी रह चुके हैं, अल्ताफ अहमद शाह सईद अली गिलानी के रिश्तेदार हैं, नईम खान मारूफ इलाहदगी पसंद लीडर है, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा महराजद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट्ट, जहूर अहमद शाह वट्टाली, शब्बीर अहमद और अब्दुलरशीद शेख और नवेल किशोर कपूर, इन पर भी इल्ज़ाम जो है वो आ चुके हैं। लेकिन इनमें से अक्सर लोगों ने टंटम किया कोर्ट के सामने कि ना वो लड़ेंगे और उन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सही नहीं है, यासिन मलिक को छोड़कर। अब इस केस के अंदर हाफिज सईद, सलाहुद्दीन और दीगर लोगों को इश्तहारी मुलजिम करार दिया गया है क्योंकि वो गिरफ्तार नहीं हो पाए, वो सरहद पार है, इसलिए उन्हें इश्तहारी मुलजिम लगा दिया गया है। बाद दोपहर इस केस की सुनवाई आज दिल्ली के अंदर होनी है। दिल्ली अदालत आज यासिन मलिक पर अपनी हतमी राय सुनाएगी। दिल्ली के अंदर एक केस चल रहा है, इधर जम्मू की टाडा अदालत में भी कई केस यासिन मलिक पर चल रहे हैं, उन पर भी सुनवाई जो है वो केस हो रही है। तो देखना होगा कि आज दिल्ली की एनआईए अदालत जो है वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर सजा सुनाएगी, क्या फांसी की सजा सुनाती है या उम्र कैद की, इसका मैं इंतजार रहेगा, आपको जरूर अपडेट करेंगे। जी आसिफ, चलिए दोपहर तक जब इस पर समाप्त होगी तो पल पल की जानकारी गुलिस्तान न्यूज आप तक जरूर पहुंचाएगा। लेकिन हम बढ़ते